जज साहब आ रहे हैं। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्ज़िम को पेश किया जाए। वकील साहब इनका जुर्म पेश करें। मेरा मुल्ज़िम जो है वो एक गरीब यूट्यूबर है, इसने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसने यूट्यूब का भी टाइम ज़ाय किया, आवाम का भी टाइम ज़ाय किया, और ऊपर से ये क्या करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। टाइम को छोड़ दे, ये थंबनेल जो है सिर्फ लड़कियों को लगाता है। एक तो ना इसके व्यूज आते, ना इसके कोई कमेंट आते, ना कोई सब्सक्राइबर है, ना ही इसका कोई चैनल ग्रो कर रहा है, कोई शेयर भी नहीं हो रहा है, हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। तो इसके ऊपर से हमारे क्लाइंट्स ने, हमारे जो सब्सक्राइबर जो भी है, एक दो तीन इसके के है, उन्होंने इसके ऊपर केस ये किया है कि इसने हमारा भी टाइम ज़ाया किया, यूट्यूब का भी टाइम ज़ाया किया, हमारा सारा वक्त ज़ाया कर रहा है ये जज साहब। इसके ऊपर आर्टिकल 5 के और सेक्शन 45 के तहत आप इसको डेथ सेंटेंस सुनाए। जी, आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ये सरासर झूठ है। मैंने किसी का टाइम नहीं जाया किया, मेरे व्यूज भी आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, मेरा देख लीजिए आप, सब कुछ मेरे बराबर, ये सरासर एलिगेशन है, मैं नहीं मानता इसको। जी वकील साहब, आपके पास ये जो पेश कर रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? माय लॉर्ड, मेरे पास सबूत है, यह मेरे पास सबूत आपको पेश कर रहा हूँ। इसका चैनल जो है, इसके अंदर टोटल ही पिछले 2 साल से ही टाइम पास किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल 15-20 ही सब्सक्राइबर है। तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए इसको सजा दे दिए। सही, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने फैसला किया है कि मुल्ज़िम को सजा मौत सुनाई जाए। दिस कोर्ट is now finished. मुजरिम, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? जज साहब, आपने मुझे सज़ा सुना दी, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा रहे, कमेंट्स करें।